दिस इज़ मी समन सिमरन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन देखने को मिलेगा, जैसे कि आजकल मैं रोज़ ही शेयर करती हूँ, तो आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत फ्लावर्स है जो कि सुबह सुबह देखना काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली थी हाफ कप अदरक वाली चाय और उसके साथ दो बिस्किट्स। यूजअली मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो तब मैं चाय भी लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में पड़े हुए थोड़े से मेरे बुक्स भी दिख रहे होंगे जो कि मुझे पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले मैं चाय कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं करूंगी कोई और काम। तो यहाँ पे मैंने चाय को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैं चली गई अपने फैंस के रिक्वेस्ट को पूरा करने, यानी कि पैनकेक आर्ट बनाने। सो आज मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट थे, तो मैंने उनमें से बहुत कम बनाया है, क्योंकि आज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को कम्प्लीट करना था, तो मैं वो कर रही थी। काफ़ी टाइम टेकिंग था एंड ये बहुत टाइम से पेंडिंग भी था, तो मैंने उसे कर लिया। उसके बाद किचन में आई तो आज ब्रेकफास्ट के लिए आलू की भुजिया बन रही है, जो बंगाल एंड बिहार से उन्हें पता होगा आलू की भुजिया एक इमोशन है बिहारी एंड बंगाली लोगों के लिए, तो ये हमारे घर पे अक्सर बनती रहती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर आज काफ़ी प्यारा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लग ही नहीं रहा है कि ये गर्मी वाला मौसम है, मतलब सडनली इतना चेंज हो गया मौसम। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो थोड़े बहुत शॉट और है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था एप्पल, तो आज के ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन है मेथी का पराठा और आलू की भुजिया, उसके साथ दही और मिठाई। सो यहाँ पे अब आटा लगने वाला है मेथी के पराठे के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले गेहूं का आटा निकाल लिया था हमने, उसके बाद उसमें डाल दिया ये कसूरी मेथी के पत्ते, अगर आपके पास ताज़ा मेथी के पत्ते हो तो वो भी डाल सकते हो। और आटा बन गया था, उसके बाद यहाँ पर हमने इसे बेल लिया एकदम पतला सा, उसके बाद थोड़ा सा इस पर ऑयल स्प्रेड करो और इसे हम आप जिस तरीके से चाहो वैसे फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे स्टार शेप का बन रहा है, पराठा को हमने एकदम परफेक्ट बेल लिया है और यहाँ पे भुजिया भी तैयार है, तो अब हम बाकियों को भी इसी तरीके से बना लेंगे। अब कर लेंगे गैस के फ्लेम को ऑन और तवा को रख देंगे गर्म होने के लिए। तवा पे डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और उसमें डाल देंगे पराठा और पराठे को हम पलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और ये देखो एकदम गोलू मोलू सा पराठा तैयार हो गया है।
तो अब आती है सर्विंग की बारी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्लेट बन रही है जिसमें दो पराठे हैं, दही मिठाई है और उसके साथ है आलू का भुजिया। तो आप देख सकते हो ये प्लेट तैयार है और ये पराठे कितने मज़े के लग रहे हैं ना। तो अब मैं अपनी प्लेट बनाने वाली हूँ। तो दो पराठे मैंने ले लिए हैं और मैं दही नहीं खा रही, बस मिठाई खा रही हूँ और उसके साथ आलू का भुजिया। तो आप ऑनेस्टली कमेंट करके बताना कि आप कितने पराठे खा सकते हो।